शीघ्र कीजिए गुरुदेव, श्वेत मधु की आवश्यकता होगी। श्वेत मधु? आप चिंता ना करें, मैं लाऊंगा श्वेत मधु। तुम्हारा ये मामा मारीच ऐसी माया रचेगा कि स्वयं जामवंत को भी आभास नहीं होगा कि उसका अपहरण हो रहा है। मधुरानी, मधुरानी, मधुलोक में एक वानर प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। यही है ना वो वानर बालक? बंदी बना लो इसे। क्या समाचार लाए हो प्रधान सैनिक? हमारे गुप्तचर एवं सैनिक दोनों पूर्ण रूप से तत्पर एवं सावधान थे महाराज। किंतु इसके पश्चात भी असुर हमारे राज्य में घुस आए, और वो भी अपनी सेना सहित। कोई उत्तर है क्या इसका तुम लोगों के पास? शांत पिताश्री, शांत। आपके प्रश्नों का उत्तर मेरे पास है। तुम्हारे पास पुत्र क्या है? छल है उत्तर पिताश्री। ये असुर माया और छल में पारंगत होते हैं। ये अपनी माया से ना केवल हमारी राज्य की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं, अपितु हम में से किसी का रूप धारण करके वो हमारे बीच में भी रह सकते हैं। तुम सत्य कह रहे हो केसरी। देखो ना, मारीच तो तुम्हारे बीच ही रह रहा है जामवंत बनकर, और तुम्हें भनक तक नहीं और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि मारीच की माया से पार पाना सहज नहीं है केसरी। तुम्हारी सावधानी, सतर्कता सब धरी की धरी रह जाएगी। तुम्हारी मंशा जानती हूँ। तुम सब लोग यहाँ इसलिए आते हो कि तुम्हें श्वेत मधु चाहिए, हमारा जीवन नहीं। अपने स्वार्थ के लिए तुम लोग हमारी हत्या कर देते हो और विषैले धुएं से हमारा दम घोट देते हो। आप सत्य कह रही हैं मधुरानी, हम अपने लाभ हेतु बिना आपकी चिंता किए यहाँ से मधु ले जाते हैं, बिना आपकी प्रसन्नता अप्रसन्नता पर ध्यान दिए, बिना ये विचार किए कि जो श्वेत मधु हम ले जाते हैं वो आपका जीवन है। मैं भी सत्य को स्वीकार करता हूँ कि बिना आपकी अनुमति के मैं यहाँ से श्वेत मधु ले जा नहीं सकता, और ना ही मुझे ले जाना चाहिए। ये करना अधर्म होगा, किंतु मैं क्या करूँ? मुझे आवश्यकता है श्वेत मधु की। मैं बलपूर्वक यहाँ से श्वेत मधु ले जाना नहीं चाहता, और ना ही आपको अप्रसन्न करके। इसीलिए मैं आपको मनाऊंगा, मैं हृदय जीतूंगा आपका। उसके लिए सर्वप्रथम मुझे ये बंधन तोड़ के यहाँ से निकलना होगा। जय श्री राम। आपका कथन बिल्कुल सत्य है महाराज। मेरे विचार से हमें चौकन्ना रहने के साथ साथ
अपनी सीमा व्यवस्था को भी सुदृढ़ करना चाहिए। उत्तर दिशा से तो कोई संकट नहीं है, दक्षिणी सीमा पर हमें अपने सैन्य व्यवस्था को और बढ़ाना चाहिए। आपका सुझाव सही है महाबली काका। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज, उस सीमा व्यवस्था को मैं स्वयं देखूंगा और कोई भी असुर अब हमारे राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ठीक है महाबली काका, मुझे आप पर पूर्णतः विश्वास है। आपका आभार महाराज। सैनिकों, संपूर्ण राज्य के कोने कोने में फैल जाओ, सभी प्रजाजनों पर पैनी दृष्टि रखो, किसी पर भी मायावी होने का तनिक भी संदेह हो तो तत्क्षण उसे बंदी बना लो। अब अविलंब प्रस्थान करो, जाओ। जो आज्ञा महाराज। केसरी, तुम और तुम्हारे सैनिक कभी भी हमारा भेद नहीं जान पाएंगे। अब मैं माया का ऐसा व्यूह रचूंगा जिसमें उलझकर संपूर्ण अंजन प्रदेश धराशायी हो जाएगा। मधु सखियों, आज गुरु पूर्णिमा है, आज वो शुभ दिन आ गया है जिसकी हमें पूरे वर्ष प्रतीक्षा थी। आज चंद्रमा की किरण इस श्वेत मधु पर उतरेगी और इसे अमृत तुल्य बना देगी। हाँ, तदुपरांत जब हम श्वेत मधु ग्रहण करेंगी तो हमारी आयु दुगनी हो जाएगी। पर हाँ, ध्यान रखिएगा कि प्रतिवर्ष की भांति इस बार कोई भूल न हो जाए। संसार के बहुसंख्यक प्राणी श्वेत मधु को प्राप्त करने के लिए घात लगाए बैठे हैं। मधु की सुरक्षा के लिए हमारी बहुत सी सखियों ने अपना जीवन गंवाया है, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। आओ हम प्रण करें कि हम इस बार किसी को भी श्वेत मधु नहीं ले जाने देंगे। मधुरानी, हर बार की भांति हम अपना जीवन उत्सर्ग नहीं होने देंगे, अपितु जो भी श्वेत मधु यहाँ लेने आएगा उसे ही हम मृत्यु के घाट उतार देंगे। इसका अभिप्राय ये हुआ कि प्रतिवर्ष श्वेत मधु को कोई ना कोई इनसे चुरा ले जाता है, और क्योंकि इस मधु में इनका जीवन बसता है इसीलिए इन्हें अपना जीवन गंवाना पड़ता है। किंतु इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस बार इनके जीवन एवं श्वेत मधु की रक्षा मैं करूंगा, ये मेरा प्रण है। वातावरण में उपस्थित देव तत्वों को साक्षी मानकर मैं ये वचन देता हूँ कि मधुरानी की इच्छा एवं अनुमति के बिना यहाँ से कोई भी श्वेत मधु लेकर नहीं जा पाएगा। क्या बात है देवी अंजना, विचारों के किस भंवर में उलझी हो? महाराज, मैं ये विचार कर रही हूँ कि क्यों ना हम हमारे राज्य में एक नई प्रथा आरंभ करें। कैसी प्रथा देवी? महाराज, जब हमारे राज्य में असुरों का भय इतना बढ़ गया है तो क्यों ना हम राज्य की स्त्रियों को शस्त्र संचालन में शिक्षा देना प्रारंभ करें। इससे ना ही केवल वो असुरों से अपनी सुरक्षा कर सकती हैं, अपितु आवश्यकता पड़ने पर उनसे युद्ध भी कर सकती हैं। हाँ देवी अंजना, आपका सुझाव अत्यंत ही सार्थक है। स्त्रियों को युद्ध कला की शिक्षा देने से हमारा राज्य शक्तिशाली तो होगा ही,
तथा हमारा राज्य अन्य राज्यों से अग्रणी भी रहेगा। मैं अभी इसे कार्यान्वित करने की व्यवस्था करता हूं। महाराज, आप वापस क्यों आ गए? देवी, हमने आपके सुझाव के विषय में जब गंभीरता से सोचा तो यह अनुभव हुआ कि आपका सुझाव तो बिल्कुल व्यर्थ है, पूर्ण रूप से निरर्थक। भला स्त्रियों को युद्ध कला की शिक्षा देने का क्या अर्थ है, क्या औचित्य है? किंतु अभी अभी तो आपने ये कहा कि यह सुझाव अत्यंत ही उत्तम है। आपने तो मेरे सुझाव से प्रेरित होकर तत्काल युद्ध शिक्षा देने की व्यवस्था तक आरंभ करने का निश्चय लिया, फिर अचानक आपका ये निश्चय परिवर्तित कैसे हो गया? वो इसलिए कि स्त्रियों को युद्ध शोभा नहीं देता, वो गृह की शोभा है, उन्हें गृह में रहना चाहिए। यदि स्त्रियां युद्ध करने जाने लगी तो गृह की कर्मभूमि की व्यवस्था ये कौन देखेगा, कौन संभालेगा घर को? किंतु स्वामी। बस देवी, इस संदर्भ में कोई बात नहीं, यह हमारा अंतिम निर्णय है। यह अचानक महाराज का विचार कैसे परिवर्तित हो गया? कर लो प्रयास केशरी, अथक प्रयास कर लो अपने राज्य में मायावी को खोजने में, किंतु तुम इस मायावी मारीच का कदापि पता नहीं लगा पाओगे, कदापि नहीं। केशरी, मैं छल और माया से तुम्हें मायावी सिद्ध कर दूंगा, तुम्हें, और उसके पश्चात तुम अपना संपूर्ण जीवन बिताओगे कारागार में, और मैं मारीच बनेगा अंजन प्रदेश का राजा, महाराजा असुर राज। हे चंद्रदेव, आज गुरु पूर्णिमा है, वो शुभ दिन जब आपकी किरणें श्वेत मधु को स्पर्श करके उसे अमृत तुल्य बना देगी। तथा पान करने के बाद हमें अमर और नव शक्ति युक्त, हम आपसे प्रार्थना करते हैं चंद्रदेव कि आप अपनी कृपा रूपी किरणों से हमारा जीवन अमृत तुल्य बनाए।
और चाहे कुछ भी हो जाए, हमें वो श्वेत मधु लेकर ही आना है। इसके लिए यदि हमें सारी मधुमक्खियों को मारना पड़े तो मार डालेंगे, तनिक भी हिचकिचाएंगे नहीं, समझे? सखियों, अब ये श्वेत मधु अमृत तुल्य हो चुका है, आओ इसे ग्रहण करें। सखियों, यहाँ अवश्य ही कोई दुष्ट आ गया है श्वेत मधु लेने। हमें अपनी पूरी शक्ति से श्वेत मधु की रक्षा करनी होगी। तो विशेला धुआं है, मुझे इस धुएं में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या करूं, कैसे करूं मैं श्वेत मधु की रक्षा? अरे श्वेत मधु तो यहाँ है ही नहीं, कहाँ गया श्वेत मधु? तो तुमने हमारा जीवन श्वेत मधु हमसे चुरा ही लिया? देवी, श्वेत मधु मैंने नहीं चुराया, मैं तो बस, 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 बस। तुम सांसारिक प्राणियों के स्वभाव को मैं भली भांति जानती हूँ, इसलिए अपने झूठ का प्रपंच बंद करो। देवी, मेरी सहानुभूति झूठी नहीं है, मुझ पर विश्वास कीजिए। विश्वास करूं और तुझ पर, जिसने स्वयं स्वीकार किया है अपनी मंशा को, यहाँ आने के अपने घृणित उद्देश्य को? देवी, मैं अवश्य ही आपके लोक में श्वेत मधु को प्राप्त करने के उद्देश्य से आया था, और वो भी इसलिए कि मैंने किसी ममता की देवी को वचन दिया था उनकी बिछड़ी हुई संतानों को उनसे मिलाने का। किंतु आपके आक्रमण के पश्चात मैं चेतना शून्य हो गया था। मेरी चेतना वापस लौटने पर मैंने प्रण किया कि मैं आप पर तथा आपके मधु लोक पर संकट नहीं आने दूंगा। जो श्वेत मधु आप सबका जीवन है, मैं उसे आपसे दूर नहीं जाने दूंगा। तभी मैं दौड़ता हुआ यहाँ आया कि मैं उन व्यक्तियों को ये श्वेत मधु ले जाने से रोक सकूं। किंतु जब तक मैं आया तब तक देवी, यही सत्य है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। Thank you.
क्षमा करना बालक, मैंने तुम पर अविश्वास किया, तुम्हें अपशब्द बोले। प्रणाम महाराज। कहाँ जा रहे हो आप लोग? राज्य की दक्षिणी सीमा पर महाराज। क्यों, किस लिए? राज्य की सुरक्षा हेतु महाराज। किसने कहा, किसके आदेश पर जा रहे हो? जामवंत जी के कहने पर महाराज। आपके समक्ष ही तो जामवंत जी ने राज्य की दक्षिणी सीमा पर गहरी चौकसी करने का आदेश दिया था महाराज। श्वेत मधु को चुरा कर ले जाने के उद्देश्य से और आने वालों से श्वेत मधु की रक्षा करने के लिए, और आज तक तो हम अपने जीवन की रक्षा करने के प्रयास में सफल रहे, किंतु इस वर्ष हम मधुमक्खियां पराजित हो गई बालक। हमारा जीवन हमसे दूर चला गया है। संसार के लिए केवल भले ही मधु हो, किंतु हमारे लिए तो ये प्राण वायु है। दुख केवल इस बात का है, इस संसार के प्राणियों के कारण अब हम ना जीवित रह पाएंगे और ना किसी को जीवन देने वाला ये मधु ही, और इन दोनों का अस्तित्व नहीं रह पाएगा। मधुरानी, नेत्र खोलिए मधुरानी, मधुरानी नेत्र खोलिए। अभी हम सबको सिर्फ श्वेत मधु ही बचा सकता है, और वही हमारा जीवन रक्षक है। समय बीतता जा रहा है पर मारुति अभी तक नहीं आया, कहाँ रह गया? मारुति तुम शीघ्र वापस आ जाओ, अब तो अश्विनी कुमारों के शरीर का ताप भी शेष हो रहा है, मुझे किसी भी तरह इनके शरीर के ताप को बचाना होगा। यदि ताप शेष नहीं रहा तो मेरी मधु विद्या भी इनके जीवन को बचा नहीं पाएगी। तुम शीघ्र वापस आ जाओ। पान के पत्तों का प्रभाव गर्म है, इसके प्रभाव से इनके शरीर का ताप भी शेष रहेगा, किंतु
किंतु अधिक समय तक इनका प्रभाव भी नहीं। मारुती, तुम समय सीमा के भीतर ही श्वेत मधु लेकर वापस नहीं लौटे तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ हाँ, याद है हमें, जामवन जी ने कहा था। किंतु अब तुम्हें सीमा पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ, तुम लोग वापस लौट जाओ। वापस लौट जाएं? किंतु महाराज, राज्य की दक्षिणी सीमा पर असुरों का आतंक है और इस कारण राज्य की सीमा असुरक्षित है महाराज। और उस ओर से असुर राज्य की सीमा में कभी भी आसानी से प्रवेश कर सकते हैं महाराज। और इसी दूरदर्शिता के कारण ही जामवन जी ने राज्य की दक्षिणी सीमा पर गहरी चौकसी करने का आदेश दिया है महाराज। चौकसी और सुरक्षा की व्यवस्था हमने कर दी है, इसलिए तुम्हारे महाराज केसरी तुम्हें राजमहल लौटने का आदेश देते हैं। जाओ, लौट जाओ यहाँ से। जामवन जी के आदेश को हमारे महाराज कैसे काट सकते हैं? तुमने सुना नहीं कि हमने तुम्हें क्या आदेश दिया है? जी महाराज। श्री, तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार से ही तो राजमहल और राज्य दोनों स्थानों पर लोग तुम पर संदेह करना आरंभ करेंगे और तभी तो मेरे लिए सहज होगा तुम्हें मायावी सिद्ध करना। केशरी मायावी। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। जो श्वेत मधु इनका जीवन है, वही इनकी मृत्यु का कारण बन रहा है। और ये क्रम प्रतिवर्ष का है, किंतु इस बार मैं इनके जीवन पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। किसी भी प्रकार मैं इनका जीवन श्वेत मधु वापस ले आऊंगा। किंतु कैसे लाऊंगा? मैं जानता भी तो नहीं उन लोगों को जो श्वेत मधु ले गए हैं। वो जो भी हों, किंतु एक बात तो निश्चित है, वो ना तो देवता है तथा ना ही असुर, क्योंकि चोरी देवता का गुण नहीं है तथा असुर अज्ञान है मधु विद्या की शक्ति से। इसका अर्थ ये हुआ कि अवश्य ही मनुष्य है, और वे मनुष्य यहाँ आसपास के किसी ग्राम तथा नगर के हैं। मुझे पता करना ही होगा। मधुरानी, मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपका श्वेत मधु अवश्य ही वापस ले आऊंगा। मैं आपका रत्ती भर भी आहित नहीं होने दूंगा। मेरे वचन पर विश्वास करना, मैं अभी आया। ये जानते हुए भी कि राज्य की वो सीमा कितनी असुरक्षित है, तुम आधे मार्ग से वापस लौट आए मेरे स्पष्ट निर्देश के पश्चात भी। कल असुर अंजन प्रदेश में प्रवेश कर जाए तो इसका उत्तरदायी कौन होगा, बोलो? क्यों किया मेरे आदेश का उल्लंघन? महाराज के कहने पर जामवंत जी। महाराज के कहने पर झूठ, झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं जामवन जी, मैं सत्य कह रहा हूँ, सभी इस सत्य के साक्षी हैं। हम तो दक्षिण सीमा की तरफ जा ही रहे थे कि तभी महाराज आ गए और उन्होंने हमें वहाँ जाने से रोक दिया। हमने स्पष्टीकरण भी दिया कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने दक्षिण सीमा की सुरक्षा का प्रबंध कर दिया है और अब तुम सैनिकों को वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तुम लोगों को वहां जाने का आदेश महाराज के सामने दिया था, फिर वो तुम लोगों को पुनः वापस कैसे बुला सकते हैं? मैं सत्य कह रहा हूँ जामवंत जी, हमारा विश्वास कीजिए, हम अपनी स्वेच्छा से लौट कर नहीं आए हैं। क्या बात है जामवंत जी, बहुत व्याकुल दिख रहे हैं आप, सब कुशल तो है ना? कैसी कुशलता कुंजर जी। ठीक है, अब तुम लोग जाओ। जी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुंजर जी। क्या समझ में नहीं आ रहा है जामवंत जी? महाराज का विचार, उनका व्यवहार। क्या किया उन्होंने? इन सैनिकों को उन्होंने स्वयं दक्षिणी सीमा पर भेजा था, अब जब सैनिक कूच कर गए तो उन्हें पुनः वापस बुलवा लिया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। राज्यादेश कोई खेल तो नहीं? ये क्या कह रहे हैं जामवंत जी, पुत्र केसरी ऐसा कैसे कर सकते हैं? किंतु उन्होंने ऐसा ही किया है। जब से मैंने ये सुना है, चेतना शून्य हो गया हूं। हमें तो ये सब अविश्वसनीय प्रतीत हो रहा है जामवंत जी, किंतु चूंकि ये सब आप कह रहे हैं तो हमें पुत्र केसरी से एकांत में इस संदर्भ में बात अवश्य करनी होगी। अभी तो खेल का ये केवल आरंभ है कुंजर, आगे आगे तो देखिए ये मारीच अपनी माया के मोहरों को कैसे कैसे चलाता है। नहीं कुंजर जी, आप रहने दीजिए, इस विषय में मैं स्वयं महाराज से बात कर लूंगा। पुत्र केसरी ने ऐसा किया, इसका भी कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जो भी हो, अवश्य कोई न कोई भेद है इन सब के पीछे। समझ नहीं आ रहा कि कैसे पता लगाऊं श्वेत मधु का, किससे पूछूं? एक एक गांव वालों से पूछना तो संभव नहीं है, और तथा इनसे पूछने का कोई लाभ भी नहीं है। श्वेत मधु का संबंध तो मधु विद्या से है, और मधु विद्या का ज्ञान इस पृथ्वी में केवल ऋषि दत्तानक को ही है। मुझे पता करना ही होगा कि ये मनुष्य श्वेत मधु का प्रयोग किस व्याधि तथा किस औषधि में करते हैं। इसकी जानकारी हेतु मुझे किसी वैद्य से मिलना होगा। मुझे श्वेत मधु के विषय में कुछ बता सकते हैं, मुझे इन्हीं के पास जाना चाहिए। देवी अंजना, क्या हुआ, चिंतित लग रही हैं? सब कुशल तो है? अचानक आपका ये निश्चय परिवर्तित कैसे हो गया? वो इसलिए कि स्त्रियों को युद्ध शोभा नहीं देता, वो गृह की शोभा है, उन्हें गृह में रहना चाहिए। यदि स्त्रियां युद्ध करने जाने लगी तो गृह की कर्म भूमि की ये व्यवस्था कौन देखेगा, कौन संभालेगा घर को? Thank you.
क्या बात है देवी, यदि कोई समस्या हो तो बताइए, मैं हूं ना समाधान हेतु। देवी अंजना, ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको मथे जा रही है, बोलिए अंजना। कुछ नहीं महाराज, कोई समस्या नहीं है। मैं तो इच्छा अनुरूप स्त्रियां जिस कारण जन्मी है बस वही कार्य कर रही हूं, गृह कार्य। देवी अंजना, आपके जन्म का उद्देश्य ये गृह गृहस्थी के कार्य नहीं। छोड़िए गृह गृहस्थी के कार्यों को और चलिए स्त्रियों को युद्धाभ्यास की शिक्षा दीजिए। मैंने आपके कथनानुसार संपूर्ण व्यवस्थाएं कर दी, स्थल निर्माण से लेकर अस्त्र शस्त्र तक। अब केवल आपकी प्रतीक्षा है, आप जब चाहें स्त्रियों को युद्ध कला की शिक्षा दे सकती हैं। और जिस दिन आप इस प्रथा की नींव रखेंगी, उस दिन अंजन प्रदेश के शीर्ष पर गर्व का मुकुट शोभायमान होगा। देवी, किंतु महाराज, अपने विचार आपके समक्ष रखने के उपरांत मैंने सोचा तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि स्त्रियों को युद्ध कौशल का अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी, ये आप क्या कह रही हैं? सत्य एवं व्यवहारिक तथ्य बता रही हूँ महाराज। यदि स्त्रियां युद्ध का अभ्यास करने लगी तो भोजन कौन बनाएगा, पुरुषों की सेवा कौन करेगा, यही तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ना महाराज। ये आप कैसी बातें कर रही हैं देवी अंजना? वही जो आपने मेरे प्रस्ताव को सुनने के पश्चात मुझसे कहा था कि स्त्रियों को गृह कार्य में दक्ष रहना चाहिए, युद्ध स्त्रियों को शोभा नहीं देता। असंभव, अविश्वसनीय, ऐसा कदापि नहीं कहा होगा। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, अविवेकपूर्ण तथ्यहीन बात। तब से मैं भी यही सोच रही हूँ कि आप जैसे वृहत एवं विकसित सोच रखने वाले कैसे कह सकते हैं ऐसी बात, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। देवी अंजना, ऐसी बातों पर विश्वास मत कीजिएगा। अब ये बताओ कि युद्ध कला की शिक्षा का श्री गणेश कब से करोगी? मैंने अब स्त्रियों को युद्ध शिक्षा देने का विचार अपने मन से निकाल दिया है। थोड़े ही समय में भोजन तैयार हो जाएगा, आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आश्चर्य है, मुझे समझ में यह नहीं आता है कि अचानक अंजना ने अपना विचार क्यों बदल दिया, और हमने ऐसा कब कहा कि ऐसा आपने नहीं महाराज कृष्ण, मैंने मारीच ने कहा है। अभी तो मैं ऐसा बहुत कुछ करूंगा, कहूंगा जो आप न कभी कह सकते हैं और ना करेंगे। ये लो, ये औषधि पीस कर तुरंत राजा तक पहुंचा दो। किंतु वैद्य जी, ये वो वनस्पतियां नहीं है जो मैं प्रतिदिन राजा के लिए तैयार करता हूँ। हाँ, ये नित्य की जड़ी बूटियां नहीं है, उनसे भिन्न जड़ी बूटियां हैं। राजा की विशेष मांग है इसलिए। विशेष मांग क्यों वैद्य जी? आज उनके यहाँ एक विशेष अनुष्ठान होने वाला है इसलिए। हमारे राजा बिना युवा बने रहने के लिए ऐसा कोई उपक्रम नहीं होगा जो वो ना करते हो। कहो पुत्र, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? वैद्यराज,
मैं श्वेत मधु के विषय में जानना चाहता हूँ। कि इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तुम श्वेत मधु के बारे में क्यों जानना चाहते हो और तुम्हें इस विषय में किसने बताया? वैद्यराज, मुझे श्वेत मधु के विषय में जानना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपको इस विषय में कुछ भी पता है तो आप कृपया करके मुझे बताएं। जहां तक मैं श्वेत मधु के विषय में जानता हूं, इसके प्रयोग से एक वृद्ध व्यक्ति फिर से युवा हो सकता है। वैसे तो श्वेत मधु के विषय में यहां तक कहा जाता है कि इसमें जीवनदायिनी शक्ति है, किंतु श्वेत मधु से जीवन देने की विद्या सबको नहीं आती, केवल देवताओं को आती है पुत्र। हे भगवान, कहीं से भी कैसे भी हमारे राजा को श्वेत मधु प्राप्त हो जाए, मुझे नित प्रतिदिन की ये सब जड़ी बूटी पीसने से मुक्ति मिल जाए। मित्र, क्या यहाँ के राजा युवा होने का प्रयास कर रहे हैं? प्रयास? अपने युवा होने के चक्कर में उन्होंने मेरा जीवन दूभर कर रखा है। वो युवा होंगे या नहीं होंगे ये तो भविष्य को ही पता है, किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ उनके लिए जड़ी बूटी कूटते कूटते मैं एक दिन वृद्ध अवश्य हो जाऊंगा। कहीं इसी राजा ने तो श्वेत मधु की चोरी नहीं करवाई है? मित्र, क्या तुम अपने वो राजा से मुझे मिलवा सकते हो? क्यों नहीं, मैं प्रतिदिन ये जड़ी बूटियां लेकर उनके यहाँ ही जाता हूँ, आज भी जा रहा हूँ, तुम चलो मेरे साथ। धन्यवाद मित्र। अब तो राजा से ही मिलकर पता चलेगा कि उसका संबंध श्वेत मधु से है अथवा नहीं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है पिताश्री, न जाने महाराज को क्या हो गया है। अब क्या किया पुत्र केसरी ने? कल की ही बात है, मैंने उनसे स्त्रियों को युद्ध शिक्षा देने की बात कही तो पहले एक क्षण में तैयार हो गए, मेरे प्रस्ताव की सराहना भी की, किंतु थोड़े समय के पश्चात आकर मुझसे बोले कि मेरा यह प्रस्ताव व्यर्थ एवं निरर्थक है, और आज पुनः आकर मुझसे स्त्रियों को युद्ध शिक्षा देने की बात कह रहे थे। ये कैसे ढुलमुल नीति है उनकी, कभी हाँ तो कभी ना। यदि उनकी इच्छा नहीं है तो मुझसे स्पष्ट कह दे, मेरा मन बहलाने की क्या आवश्यकता है। नहीं पुत्री, जिस बात को तुम इतनी सुगमता से कह रही हो वो बात इतनी सुगम है ही नहीं, कुछ गड़बड़ है। देखो, जामवन जी भी कह रहे थे कि कल पुत्र केसरी ने पहले तो स्वयं ही सैनिकों को दक्षिणी दिशा में जाने का आदेश दिया, और जब वो तैयार होकर जाने लग गए तो स्वयं ही जाकर उन्हें रोककर वापस भी बुला लिया। तब तो अवश्य ही इसके पीछे कोई गंभीर भेद है पिताश्री। हाँ पुत्री, हमें सतर्क होकर ध्यान रखना होगा, और केसरी के इस अकस्मात असहज व्यवहार के पीछे के मूल कारण का पता लगाना होगा। अच्छा ये बताओ कि क्या पुत्री केसरी आजकल आंतरिक रूप से अस्वस्थ है? नहीं पिताश्री, उनका स्वास्थ्य तो बिल्कुल ठीक है। तब तो अवश्य ही कोई बहुत ही गहरा रहस्य है पुत्री, जिसका पता लगाना अब अनिवार्य हो गया है। मैं आपसे सहमत हूँ पिताश्री। चाहे कितनी भी चेष्टा क्यों ना कर लो तुम लोग, तुम इस मारीच की माया का भेद कदापि नहीं जान पाओगे, कदापि नहीं। हाँ, मेरी माया जाल एवं भेद के चक्रव्यूह में तुम लोग फंसते अवश्य जाओगे, फंसते जाओगे।
मित्र, क्या सच में तुम्हारे राजा की इच्छा है पुनः युवा बनने की? क्या बताऊं मित्र, हमारा राजा पागल हो गया है। तुम ही बताओ, कभी कोई वृद्ध युवा बन सकता है? जिस अवस्था में लोग सब कुछ त्याग कर वानप्रस्थ ग्रहण कर लेते हैं, उस अवस्था में वो अपना दूसरा विवाह करने की योजना बना रहा है। मित्र, तुम थके हुए तथा विचलित लग रहे हो। यदि तुम्हारा मन हो तो तुम ग्रह जाकर विश्राम कर लो। मित्र, यदि मैं विश्राम करूंगा तो ये जड़ी बूटियां हमारे राजा तक कौन पहुंचाएगा? और वैसे भी आज उनके यहाँ एक विशेष अनुष्ठान होने वाला है। यदि ये जड़ी बूटियां आज मैंने उन तक नहीं पहुंचाई ना, तो वो मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। विशेष अनुष्ठान? कहीं इस विशेष अनुष्ठान का संबंध श्वेत मधु से तो नहीं? मित्र, तुम्हारे स्थान पर मैं जड़ी बूटियों को तुम्हारे राजा तक पहुंचा दूंगा। तुम चाहो तो आज विश्राम कर लो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। ये लो, संभालो इन्हें, कम से कम एक दिन का पीछा छूटे। अच्छा मित्र, मैं चलता हूं। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि श्वेत मधु की चोरी में अवश्य ही इस राजा का हाथ है। शुक, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, इस प्रकार यहां मुझसे मिलने मत आया करो। किंतु तुम होगी, यदि किसी की दृष्टि तुम पर पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। मुझ पे क्यों क्रोधित हो रहे हैं महाराज? मुझ पे क्यों क्रोधित हो रहे हैं मामा मारिच? मैं तो मात्र एक सेवक हूँ। महाराज खरदूषण ने मुझे जो आज्ञा दी है, उनकी आज्ञा का पालन तो मुझे करना ही होगा मामा मारिच। जामवंत जी से पता करना होगा कि उन्होंने पुत्र केसरी से सैनिकों के संबंध में बात की या नहीं। क्या कारण था कि केसरी ने सैनिकों को वापस बुला लिया था? और केसरी के परिवर्तित स्वभाव और व्यवहार के विषय में भी तो मुझे जामवंत जी से विमर्श करना है। अच्छा ठीक है, बताओ मेरे भांजे खरदूषण क्या जानना चाहते हैं? महाराज खरदूषण ने पूछा है कि यहाँ की योजना में कितनी प्रगति हुई है। योजना पूर्व निर्धारित विधि के अनुसार चल रही है। उनका मामा मारीच सफलता के मार्ग पर बिना बाधा के अग्रसर है, अग्रसर। बस उनसे कहना वो उस जामवंत पर कड़ी दृष्टि रखें। किसी भी स्थिति में वो जामवंत वहां से भागना नहीं चाहिए। यदि वो वहां से भाग गया तो इस मारीच की सारी माया पर पानी फिर जाएगा। इसके पूर्व के किसी की दृष्टि तुम पर पड़े अति शीघ्र यहां से चले जाओ। प्रणाम मामा मारिच। शीघ्र यहां से जाओ। जामवंत जी, आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए कुंजर जी। इस समय आप किससे बात कर रहे थे जामवंत जी? किससे बात कर रहा था, किसी से भी तो नहीं। यहाँ हमारे कक्ष में है ही कौन जिससे बात करूंगा? पर मैंने आपको किसी से बात करते सुना जामवंत जी, और अभी अभी किसी काक की भी धोनी आई थी आपके कक्ष से। और ये हमारा पूर्ण विश्वास है जामवंत जी कि ये सब हमारा भ्रम नहीं था। बताइए जामवंत जी, मुझे सत्य बताइए, न जाने क्यों मुझे इसमें कोई संदेह प्रतीत हो रहा है।
क्षमा करें महाराज कुंजर, क्या मैं आपको संदेहशील प्राणी दिखता हूं? अरे नहीं नहीं जामवन जी, नहीं। देखिए आप क्रोधित ना होइए, भला मैं आप पे संदेह करूंगा? स्वप्न में भी नहीं। अच्छा वो पुत्र केसरी के साथ आपकी वार्ता हो पाई कि नहीं, कि उन्होंने सैनिकों को सीमा पर जाने से रोका क्यों? हाँ, मैं इस विषय में महाराज से मिलने गया था किंतु उनसे बात नहीं हो पाई। कुछ तो असामान्य है जामवंत जी, कोई तो था आपके कक्ष में, इससे पूर्व तो कभी हमें ऐसी अनुभूति नहीं हुई, फिर आज ऐसा क्यों? मुझे इस संदर्भ में केसरी से बात करनी ही होगी, क्योंकि समय की यही पुकार है कि किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया जाए। कुंजर, मैं पढ़ना भी जानता हूं, मन को भली भांति पढ़ सकता हूं मैं। तुम्हारे मन में उठने वाले विचारों को, इससे पूर्व कि तुम मेरी सफलता के मार्ग में व्यवधान बनो, मैं तुम्हें अपने मार्ग से हटा दूंगा। हाँ। ये है अमृत तुल्य श्वेत मधु। जिसको पाने के लिए संसार अपने प्राणों को दांव पर लगाता है। अब मुझे युवा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा अनुमान सत्य था, श्वेत मधु राजा के पास ही है। महाराज, इस श्वेत मधु को मेरे शिष्यों ने अपना जीवन दांव पर लगाकर प्राप्त किया है आपके लिए। हम प्रसन्न हुए, हम अति प्रसन्न हुए तंत्र गुरु। ये लो, तंत्र गुरु आप अनुष्ठान की तैयारी करें, श्वेत मधु आ गया है। आपके द्वारा बताई गई वनस्पति यहां शीघ्र ही पहुंच जाएगी। अब हम अपने युवा होने में एक क्षण का विलंब नहीं चाहते। महाराज, संपूर्ण व्यवस्था होने के पश्चात भी एक समस्या है। कैसी समस्या? महाराज, हमें एक ऐसा युवा चाहिए जो स्वेच्छा से अपनी आयु आपको देने के लिए तैयार हो जाए। उसकी चिंता आप ना करें, मेरे पास तीन पुत्र हैं और तीनों आज्ञाकारी हैं, मेरी आज्ञा से असहमत नहीं होंगे। आप बस अनुष्ठान की तैयारियां शुरू कीजिए। राजा तो अधर्म के मार्ग पर है, ये अविवेकी सृष्टि के नियम को बदलने की चेष्टा कर रहा है। अब मुझे श्वेत मधु को प्राप्त करने के साथ साथ इस मूड को भी धर्म के मार्ग पर लाना होगा। अभी मिट्टी ही इनके शरीर के ताव को बचा कर रख सकती, इसलिए मारुति के आने तक
इस मिट्टी से इनके पूरे शरीर को ढक कर रखना होगा। निश्चित ही किसी प्रकार की भ्रांति ने स्थान ले लिया है हमारे बीच में। कोई भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है पिताश्री में। मैं पिताश्री से बात करता हूँ।